सो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स इज द वे कि आप अपने ऑर्डिनरी टीवी या फिर कोई भी पुराना CRT LED LCD टीवी जो स्मार्ट नहीं है उसको आप स्मार्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट पे करके, क्योंकि जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन डिफ़िकल्टी होती है कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, आपको मैक्सिमम फंक्शनैलिटी किस में मिलेगी। सो हे व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, एंड इन दिस वीडियो मैं रिव्यू करने वाला हूँ MXQ Pro एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का, जो आपके पुराने CRT LCD LED को भी स्मार्ट बना देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बॉक्स कंटेंट पर। बॉक्स में आपको मिलता है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, अंदर जाएंगे तो मिलेगा आपको IR बेस्ड रिमोट, जो कि एक यूनिवर्सल रिमोट है, टीवी और एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पर एक ही रिमोट आपका काम कर जाएगा। यहाँ पे आपको एक AC अडेप्टर मिल जाता है जो 5V 2A की आउटपुट देता है आपके बॉक्स के लिए, तो यहाँ पे कोई अदर अडेप्टर आपको यूज़ नहीं करना है। एंड यहाँ पे आपको HDMI केबल मिल जाती है और एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है क्विक सेटअप के लिए। तो अगर स्पेसिफिकली बॉक्स की बात करें तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो ओके है, पूरा का पूरा बिल्ड है इसका प्लास्टिक का। यहाँ पे आपको जो पोर्ट कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको 5V की इनपुट मिल जाती है जिसमें आप अपना अडेप्टर कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ईथरनेट पोर्ट मिलता है आपके ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि नेट की कनेक्टिविटी अगर आप वायर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फिर HD आउटपुट मिल जाती है HDMI केबल के लिए, आपके किसी भी LCD LED टीवी पर HDMI के जो पोर्ट होते हैं वो मिल जाते हैं, तो HDMI पोर्ट के थ्रू ही आप LED LCD पर कनेक्ट कर पाएंगे। अगर चाहे तो ऑडियो वीडियो केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो का 3.5mm जैक पोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप ऑडियो वीडियो से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी CRT टीवी यानी कि जो पुराने टीवी आते थे या फिर LCD LED को भी, तो उसके लिए आपको अलग से केबल परचेज करनी होती है 100 रुपये की, जो 3.5mm टू स्टैंडर्ड ऑडियो वीडियो केबल आती है, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको SPDIF पोर्ट मिल जाता है ऑडियो आउटपुट के लिए, जो स्टैंडर्ड आजकल साउंड बार आ रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे 4 आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, तो USB जो पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली 512 GB तक की हार्ड डिस्क इस पे यूज़ की है, परफेक्टली काम करती है। तो अब करते हैं क्विक सेटअप ऑफ MXQ Pro का ऑन माई टीवी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने पावर केबल से इसको कनेक्ट कर देना है, जो आपका यहाँ पे पावर अडेप्टर है, एंड देन आपने HDMI केबल से इसको अटैच करना है, एंड एक्शन आपके सामने तुरंत कनेक्ट आ जाता है। बहुत सिंपल सेटअप है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जस्ट अगर आपके घर में ईथरनेट केबल है तो आपने ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर लेना है, और अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो वो एक बेटर चॉइस होगी। तो जब तक ये बूट हो, इसकी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2GB 16GB का वेरियंट जो है मैं रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 1GB 8GB वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि 1GB रैम 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1GB वाला वेरियंट 2000 रुपये में आता है, और जो 2GB 16GB की स्टोरेज के साथ आता है ये 2699 रुपये में आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 7.1.2 मिलता है, थोड़ा आउटडेटेड है लेकिन एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। यहाँ पे सारी एप्स कंपेटेबल हैं इस बॉक्स के साथ। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे ROG चिप वाला 3066 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी क्लॉकिंग 1.2 GHz पर सेट की गई है क्वाड कोर CPU के साथ। यहाँ पे जो GPU आपको मिलता है वो Mali 400 देखने को मिलता है, और जो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन मिलता है वो 4K पे मिलता है, 1080p भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप स्टैंडर्ड टीवी यूज़ करते हो, यानी कि CRT टीवी जो पुराने बड़े बड़े होते थे, तो वहाँ के लिए आपको VGA आउटपुट भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके पास कोई पुराना टीवी है, नया टीवी है, तो ये सभी के साथ कंपेटेबल होगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और जो यहाँ पे आपको पिक्चर का रिफ्रेश रेट मिलता है वो 60Hz का मिलता है। मैक्सिमम टीवी जो नए भी आ रहे हैं वो 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं, तो जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलती है। आगे मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यूज़र इंटरफेस पर। तो जो स्टॉक यूज़र इंटरफेस आपको इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पे मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, और ये थोड़ा आपको स्लो फील होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो मैं हमेशा यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ATV लॉन्चर, जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत स्मूथ वर्किंग आपको देखने को मिलती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और सारी ऐप्स आपकी होम पेज पे आ जाती है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप ये बॉक्स परचेज करते हैं तो आपको ATV लॉन्चर की जरूरत पड़ सकती है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको गूगल का प्ले स्टोर मिल जाता है, जिसमें आपको मैक्सिमम ऐप्स जितनी भी हैं आपके एंड्रॉयड 7.1.2 के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जितनी भी ऐप्स आप जनरली यूज़ करते हैं, वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
और आप कोई भी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो अब आते हैं ऐप कंपेटिबिलिटी पर कि कौन कौन सी ऐप आप एंड्रॉइड टीवी बॉक्स पे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऐप यूज कर पाते हैं, लेकिन जो कुछ स्पेशल ऐप है आप सभी लोग यूज करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, तो इस पर परफेक्टली काम करती है। पहले प्राइम वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्राइम वीडियो पे मैं कोई भी मूवी प्ले करता हूँ तो इजिली प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ए दिल है मुश्किल को प्ले किया है प्राइम वीडियो पर। बात करें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स भी यहाँ प्रॉपरली काम करता है, लेकिन मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो जस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ कि नेटफ्लिक्स ऐप इस बॉक्स के साथ कंपेटेबल है या नहीं। तो हाँ, नेटफ्लिक्स इस पर प्रॉपरली काम करता है और यहाँ पे लिखा रहा है कि ज्वाइन फ्री फॉर अ मंथ। तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता अब दोबारा से यूज। तो अब आते हैं मोस्ट पॉपुलर ऐप पर, यानी कि जियो टीवी ऐप पर। ज्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं कि क्या ये एंड्रॉइड टीवी बॉक्स जियो टीवी ऐप को सपोर्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर उनका जो 350 से 400 रुपये महीने का खर्चा है वो कम हो जाने वाला है। तो यस, इसमें मैंने दो जियो टीवी ऐप डाली हुई है, ये मोबाइल वाली है एंड ये एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैं आपको एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वाली भी यूज करके दिखा देता हूँ, मोबाइल वाली भी। तो पहले एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की ऐप को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो आपकी चैनल्स की लिस्ट है वो आ चुकी है। एंड यहाँ पे जो डीडी नेशनल पहला ही चैनल है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, आपको कोई इशू नहीं आता। कुछ और चैनल यानी कि एचडी प्लेबैक करके दिखा देता हूँ। तो कैटेगरी में चलते हैं, कैटेगरी में चलने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा मूवीज़ में। मूवीज़ में आने के बाद प्ले करते हैं एचडी चैनल यानी कि स्टार गोल्ड एचडी। तो देखते हैं कि स्टार गोल्ड एचडी चल पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टार गोल्ड एचडी सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि जियो टीवी ऐप जो एंड्रॉयड टीवी के लिए ऑप्टिमाइज़ की गई है ये थोड़ा अलग टाइप से है। वैसे एंड्रॉयड टीवी के लिए ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार गोल्ड एचडी आप देख पा रहे हैं। तो सारे चैनल जियो टीवी पर यहाँ पे चलते हैं। बात करें मोबाइल ऐप की, तो मोबाइल ऐप में आपको जो माउस वाला बटन है आपके रिमोट पर उसका यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नेविगेशन कीज़ हैं वो काम नहीं करती। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि MTV BTC प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप माउस का कर्सर देख पा रहे होंगे, जिन ऐप्स में नेविगेशन की काम नहीं करती वहाँ पे काम करता है आपका माउस का बटन। वैसे भी आप अगर आपके घर में वायरलेस कीबोर्ड या माउस है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली काम करता है। तो यहाँ पे मैंने MTV Beats HD को प्ले कर दिया है एंड आप देख पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इशू ये आता है कि अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं माउस वाला बटन तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर चैनल के लिए। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फुल स्क्रीन में। तो जियो टीवी एकदम परफेक्टली कंपेटेबल है इस बॉक्स के साथ, आप परफेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो आपको प्ले स्टोर मिलता है वहाँ पे ज़्यादातर ऐप्स आपको मिलती है मोबाइल की, और अगर आपको चाहिए एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की ऐप्स तो यहाँ पे एप्टॉयड टीवी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये टीवी के लिए प्ले स्टोर है, यहाँ पे आपको सारी ऐप्स जितनी भी मिलेंगी वो टीवी के साथ कंपेटेबल मिलेंगी यानी कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के हिसाब से, और आप उनको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी जैसे YouTube फॉर Android TV जितनी भी ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए आपको ऐप्स मिल जाएंगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें YouTube की, तो YouTube यहाँ पे परफेक्टली काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक 4K वीडियो प्ले किया एंड देन जब मैंने वीडियो क्वालिटी का ओपन किया तो यहाँ पे 2160p यानी कि 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4K क्वालिटी सेलेक्ट कर चुका हूँ एंड देन वीडियो प्लेबैक यहाँ पे आपको परफेक्ट मिल जा रहा है। तो ये बॉक्स 4K वीडियो भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई पुराना LCD या LED TV है जो 4K रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है लेकिन स्मार्ट TV नहीं है, तो ये बॉक्स उस पर बहुत परफेक्टली काम आने वाला है अगर आप 4K कंटेंट देखने के शौकीन हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स को एज ए गेमिंग बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं, तो नहीं, आप इसको गेमिंग के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप इस पर हैवी गेम्स प्ले कर पाएँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप इसको मल्टीमीडिया फेज़ में ही यूज़ कर पाएंगे, जैसे आपको कंटेंट देखना है, स्ट्रीम्स देखनी है, तो यहाँ पे YouTube, जियो टीवी ये सब ऐप्स ही आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे फ़ोटोज़, म्यूज़िक या वीडियोस देखना चाहते हैं अपने HD कार्ड या फिर वायरलेस स्क्रीन से तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप अगर PUBG के शौकीन हैं फिर कोई भी गेम प्ले बैक करते हैं अपने डिवाइस पर तो आप उसको मिरर कर सकते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर विद द हेल्प ऑफ वाईफाई डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो मैंने अपना डिवाइस है वो कनेक्ट किया है इसके साथ वायरलेस डिस्प्ले के फेज़ में, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा नोकिया 6.1 प्लस है वो कनेक्ट कर चुका हूँ एंड कैमरा इसीलिए आपको शो किया है कि लाइव आपको पता चल जाएगी क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे फटाफट ऐप्स को करता हूँ स्क्रॉल, तो आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथली काम करता है, कोई इशू आपको यहाँ नहीं आता। इसी तरीके से आप अपने एप्पल iOS डिवाइसेस को भी स्क्रीन मिरर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरप्ले, तो वो भी फीचर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है।
तो बात करें अगर इस डिवाइस की सेटिंग्स की, तो यहाँ पे सेटिंग्स बिल्कुल सिमिलर मिलेंगी जैसी आप अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाईफाई आपको मिल जाएगा पहले पॉइंट पर, दूसरा आपको मोबाइल में मिलता है ब्लूटूथ, लेकिन इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में आपको ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं मिलता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके साथ यूज़ करते हैं कोई भी स्पीकर तो उसके लिए आपको इसमें 3.5 mm जैक का ऑडियो वीडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 GB इसमें आपको रैम मिलती है जिसमें 547 MB यूज़ हो रही है, तो 2 GB इनफ है इतनी सारी ऐप्स को बैकग्राउंड में ओपन करने के बाद भी। मैं दिखा देता हूँ कि कितनी ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही हैं। एंड देन यहाँ पे 2 apps थी ओनली। बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। काफ़ी सारी ऐप्स मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ और 1.04 GB ही यूज्ड है, यानी कि 890 MB जो स्टोरेज है वो ऐप्स के सेक्शन में जा रही है। बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐसा लोड नहीं किया है जो इसकी मेमोरी कंज्यूम हो। तो अगर रिमोट की बात करें तो रिमोट बहुत ज़्यादा टाइनी है एंड इजी टू यूज़ है। यहाँ पे नेविगेशन की मिल जाती है विद ओके बटन, बैक की मिल जाती है, होम की, यहाँ पे आपको ऑप्शन की मिल जाती है और एयर माउस की मिल जाती है। अगर कोई ऐप इस टीवी के साथ कंपेटेबल नहीं है तो आप माउस की हेल्प से उसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक की मिल जाती है आपको पासवर्ड पुट करने के लिए, अगर आपका वाईफाई पासवर्ड नंबर्स पे है तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर नेविगेशन की हेल्प से कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कैटस प्ले जो यहाँ पर ऐप है, कैटस प्ले की हेल्प से आप अपने मोबाइल में एक कैटस प्ले ऐप और डाउनलोड करेंगे एंड देन कनेक्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल में जो भी इनपुट देंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगी, यानी कि कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल का एंड आउटपुट मिलेगी आपको स्क्रीन पर। तो ये रिमोट एक यूनिवर्सल रिमोट है, तो इसको आपको अपने टीवी के रिमोट के साथ पेयर करना होगा एंड देन ये कुछ की आपकी यहाँ पे यूज़ आने वाले हैं, जिसमें वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस सेट टीवी एंड पावर ऑफ। तो मैंने हर यूज़र के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से रिव्यू किया है, एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 2699 rupees की प्राइसिंग के साथ आता है, 2 GB रैम 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 1 GB रैम 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 2000 rupees मिल जाता है। तो ये रिव्यू यूनिट भेजा था इतना सस्ता .com ने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बॉक्स का लिंक दिया है, 2 GB वाले का भी और 1 GB वाले का भी, जो आपको पसंद आया आप परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो एवरेज रैम यूजेज आते हैं वो आपको यहाँ पे 600 MB तक आते हैं, तो 1 GB रैम भी इनफ होगी। बाकी अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप 2600 rupees वाला यानी कि 2 GB 16 GB वाला भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।